हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज आपको बताने वाला हूं भगवान विष्णु के पवित्र मास माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म के पवित्र मासों में माघ मास को 11वां मास बताया गया है और ये मास भगवान विष्णु के पवित्र मासों में से एक है। इस मास में भगवान विष्णु मधुसूदन नाम से पुकारे जाते हैं और इस माघ मास में भगवान विष्णु प्रयागराज में विराजित होते हैं। प्रयाग में भगवान विष्णु को माधव नाम से पुकारा जाता है। प्रयाग में भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर वेणी माधव नाम से प्रसिद्ध है। सनातन हिंदू का 11वां चंद्रमास और 10वां सौरमास माघ कहलाता है। मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इस महीने का नाम माघ नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। इस मास में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, अतः इस पावन समय गंगाजल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। अगर जैसे मान लो अगर कोई इस पवित्र मास में गंगाजल का आचमन करता है तो भी भगवान विष्णु उनको स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते हैं तथा गंगा जी क्षीर सागर का ही रूप है। माघ में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व तीर्थ राज प्रयाग में है। प्रयाग में भगवान विष्णु माधव नाम से विराजते हैं। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। हजारों भक्त गंगा यमुना के संगम स्थल पर माघ मास में पूरे 30 दिनों तक पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। ये महीना कल्पवास यानी जो भी भक्त कल्पवास करते हैं वे गंगा स्नान प्रतिदिन करने की वजह से गंगा के किनारे झोपड़ी आदि बनाकर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जरूरतमंदों को सर्दी से बचने योग्य वस्तुओं जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल और आग तापने के लिए लकड़ी आदि का दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास की प्रत्येक तिथि पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ में स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होते हैं। इस दिन पूर्ण चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं जिनके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों पर पड़ते हैं, अतः इनमें आरोग्यदायक गुण उत्पन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश और कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने से माघी पूर्णिमा को पुण्य योग बनता है तथा सभी तीर्थों के राजा देवता पूरे माह प्रयाग तीर्थ में विद्यमान रहते हैं। अंतिम दिन जब तप व संयम द्वारा सात्विकता का पालन कर विष्णु जी को प्राप्त किया जा सकता है। माघ महीने में ही संगम में स्नान करना भी पुण्यदायक माना जाता है। संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान एक प्रमुख स्नान है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज रहता है जो पाप का शमन करता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग न बन सके लेकिन माघ पूर्णिमा के स्नान से स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य तीर्थ स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान इसलिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है। साधु संतों का कहना है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें पूरी लौकिकता के साथ पृथ्वी पर पड़ती हैं। स्नान के बाद मानव शरीर पर उन किरणों के पड़ने से शांति की अनुभूति होती है और इसीलिए पूर्णिमा का स्नान महत्वपूर्ण है। माघ स्नान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। माघ में ठंड खत्म होने की ओर रहती है तथा इसके साथ ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। आइए जानते हैं अन्य पुराणों के अनुसार माघ मास का महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, अतः इस पावन समय गंगाजल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। इसी प्रकार पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान करने से होते हैं। आप समझ सकते हैं भगवान विष्णु कितने दयावान हैं। वे अपने भक्तों के स्नान मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपनी कृपा से अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वही पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है
कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्नान को बताया गया है। भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा श्राप इंद्र भी माघ स्नान के सत्व द्वारा ही श्राप से मुक्त हुए थे। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस दिन किए गए यज्ञ तप तथा दान का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन भोजन दान, वस्त्रदान, गुड़ दान, कपास दान, घी दान, लड्डू दान, फल दान, अन्न दान आदि का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। माघ पूर्णिमा में प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में काले तिलों से हवन और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल के दान का इस माह में विशेष महत्व माना गया है। मत्स्य पुराण का कहना है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन किए गए यज्ञ तप तथा दान का विशेष महत्व होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माघी पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास पूर्ण हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा और दान पुण्य को अति फलदायी माना गया है। माघ माह में स्नान, दान, धर्म कर्म का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में किसी भी नदी के जल में स्नान को गंगा स्नान करने के समान माना गया है। माघ माह में स्नान का सबसे अधिक महत्व प्रयाग के संगम तीर्थ का होता है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप और संताप का नाश होता है तथा मन एवं आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला है। इस समय ओम नमो भगवते नंद पुत्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र ध्यान के बाद भगवान कृष्ण या विष्णु की आरती करें, प्रसाद बांटे, सभी परिजन उसको ग्रहण करें, पूजा और आरती में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। माघ पूर्णिमा में प्रातः स्नान, यथाशक्ति दान तथा सहस्त्र नाम अथवा किसी स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। अगर आप कोई भी बिना मनोकामना किए माघ स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होती है। माघ स्नान से समस्त पाप ताप शाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज रहता है जो पाप का शमन करता है। यह भी मान्यता है कि जो तारों के छुपने से पूर्व स्नान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तारों के छुपने के बाद यानी सूर्योदय से पूर्व के स्नान से मध्यम फल मिलता है, किंतु जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वे उत्तम फल की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। माघ मास को बत्तीसी पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो सौभाग्य व पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। इस स्नान के करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप और संताप मिट जाते हैं। इसे मन एवं आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, दान देते हैं। पितृ तर्पण भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। माघ पूर्णिमा का दिन मृत पूर्वजों के लिए पुण्य स्नान करने का आखिरी दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा आदि नदियों के किनारे जबरदस्त पूजा की जाती है। अनेक पवित्र पर्वों के समन्वय की वजह से श्रद्धालुओं के लिए माघ मास को अति पुण्य फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व कि माघ पूर्णिमा के स्नान मात्र से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दोस्तों, मैं आगे भी आपको अन्य देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों, व्रत कथा की जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। जय माँ काली, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।